हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में बेन का जोड़, बेन का घटाव, बेन का गुणा और बेन का भाग करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बेन का जोड़ करेंगे। तो हमारी बेन है 2/3 + 5/2। तो बेन की शुरुआत हम एलसीएम से करते हैं। तो जो बट्टे की संख्या होती है उनका एलसीएम लेंगे। तो बट्टे की संख्या कौन कौन सी है? 3 और 2। तो इसमें देखेंगे 3 3 से कट रही है, 2 2 से कट रही है, तो इनका हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 3 × 2 तो 3 × 2 = 6, 6 हमारा क्या गया? एलसीएम। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं, तो एलसीएम कितना आया? 6। ऊपर संख्या क्या है? 2, तो 2 की 2 लेके देंगे। 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बजा रहा? 2 बार, 2 का इसमें गुणा कर देंगे। प्लस लगी तो प्लस लगा देंगे, 5 की 5। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बजा रहा? 3 बार, 3 का इसमें गुणा कर देंगे। छः की छः, 2 × 4, प्लस की प्लस, 5 × 3 = 15। 6 की 6, 15 और 4 कितने जाएंगे? 19। तो 19/6 हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट बनना है 5/2 + 4/3 + 4/5। जो 2 बट्टे की संख्या है उनका एलसीएम लेंगे। तो बट्टे की संख्या कौन कौन सी है? 2 3 5। तो सबसे पहले हम 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 2 3 5, तो 2 को हम 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2। क्या 2 से 3 कट रही है? नहीं कट रही, तो 3 की 3। क्या 2 से 5 कट रही है? नहीं कट रही, तो 5 की 5। अब 3 को 3 से काटें, 1 की 1, 3 × 3, 5 की 5। अब हम 5 को 5 से भाग दें, 1 की 1, 1 की 1, 5 × 5। तुम्हारी संख्या क्या आई है? 2 3 5, तो इनका हम गुणा करेंगे। तो 2 3 5, तुम्हारा एलसीएम कितना आ रहा है? 30। तो जिससे हमें ये पता लगता है कि जब भी संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग संख्या से कटती है, तब उनका डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तुम्हारी संख्या क्या निकल गई है? 2 3 5, तो यहाँ भी 2 3 5, क्योंकि संख्या यहाँ अलग अलग संख्या से कट रही है, तो संख्या वही की वही निकल के आती है। तो हमारा एलसीएम कितना निकल गया है? 30। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं, तो 30। ऊपर संख्या क्या है? 5, तो 5 की 5 निकलेंगे। 2 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बजा रहा? 15 बार, 15 का हम इसमें गुणा कर देंगे। प्लस की प्लस, 4 की 4, 3 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बजा रहा? 10 बार, 10 का इसमें गुणा कर देंगे। प्लस की प्लस, 4 की 4, 5 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बजा रहा? 6 बार, 6 का इसमें गुणा कर देंगे। 30 की 30, 15 × 75, प्लस की प्लस, 4 से 10 से गुणा करेंगे तो 40। प्लस की प्लस, और 4 से 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 4 = 24। तीस की तीस, तो 2475 = 99, और 99 × 40 139। तो दोस्तों, हमारा आंसर क्या है? 139/30 हमारा क्या है? आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बेन का घटाव करना सीखेंगे। तो हमारी बेन है 4/5 - 7/10। तो जो बट्टे की संख्या है उनका एलसीएम लेंगे। तो बट्टे की संख्या क्या है? 5 और 10। तो जब भी छोटी वाली संख्या के पाड़े में बड़ी वाली संख्या आती है, तो उसका एलसीएम हमेशा बड़ी वाली संख्या होता है। तो 5 और 10, इनमें से इसका एलसीएम क्या रहेगा? 10 रहेगा। तो एलसीएम हमारा कितना निकल गया? 10। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं, 10 की 10, ऊपर क्या है? 4, तो 4 की 4, 5 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बजा रहा? 2 बार, 2 का इसमें गुणा कर देंगे। माइनस की माइनस, 7 की 7, 10 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बजा रहा? 1 बार, 1 का इसमें गुणा कर देंगे। 10 की 10, 4 × 2 = 8, माइनस 7 × 7, 10 की 10, 8 में 7 गया तो कितना बजा है? 1, तो 1/10 हमारा क्या आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बेन का गुणा करना सीखेंगे। तुम्हारी बेन है 4/5 × 10/24। तो दोस्तों, बिन के गुणा में हमेशा अंश का गुणा अंश से करते हैं और
हर का गुणा हर से करते हैं। तो जो ऊपर की संख्या होती है वो अंश होती है, और जो नीचे की संख्या होती है वो हर होती है। तो अंश का गुणा किससे करते हैं? अंश से करते हैं, और हर का गुणा हर से करते हैं। तो यहाँ अंश क्या है? चार। तो चार का गुणा किससे करेंगे? अंश से ही, तो दस से। यहाँ हर क्या है? पाँच। और चौबीस क्या है? हर है, तो इनका गुणा चौबीस से करेंगे। पाँच से दस कितनी बार कट रही है? दो बार। चार से चौबीस कितनी बार कट रही है? छः बार। तो दोस्तों हमारी संख्या क्या आई है? दो बट्टे छः। तो ये संख्या दोनों दो से कट रही है, दो एकम दो, दो तीय छः। तो हमारा आंसर क्या है? एक बट्टे तीन हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट बनना है छः बट्टे पाँच गुणा सात बट्टे दो गुणा आठ बट्टे चौदह। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, जैसे दो से आठ कितनी बार कट गया? चार बार। और सात से चौदह कितनी बार कट गया? दो बार। और दो से चार कितनी बार कट गया? दो बार। अब कोई संख्या कट रही है? नहीं कट रही है। तो हमारी संख्या क्या बची? ऊपर क्या बची? छः गुणा दो, और नीचे संख्या क्या है? पाँच। तो छः दुनी बारह और बट्टे पाँच, तो बारह बट्टे पाँच हमारा क्या है? आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब हम भिन्न का भाग करना सीखेंगे। तो हमारी भिन्न है नौ बट्टे आठ भागित अठारह बट्टे चौबीस। तो दोस्तों हमारी भिन्न क्या है? नौ बट्टे आठ। अब इस वाक्य चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे। तो जब भी हम वाक्य चिन्ह को गुणा में चेंज करते हैं तो जो संख्या होती है वो पलट जाती है। तो ये संख्या क्या है? अठारह बट्टे चौबीस। तो ये पलट जाए तो क्या आएगी? चौबीस बट्टे अठारह। अब ये संख्या किस रूप में बनेगी? गुणा के रूप में। तो आठ से चौबीस कितनी बार कट रही है? तीन बार। नौ से अठारह दो बार। तो तीन बट्टे दो हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट बनना है नौ बट्टे पाँच भागित अठारह बट्टे पंद्रह भागित चार बट्टे पाँच। तो सबसे पहले हम इस वाक्य चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे। तो जब भी हम वाक्य चिन्ह को गुणा में चेंज करते हैं तो जो संख्या आती है वो पलट जाती है। तो नौ बट्टे पाँच, तो इस वाक्य चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे तो अठारह बट्टे पंद्रह, तो क्या जाएगी? ये पंद्रह बट्टे अठारह। इस वाक्य चिन्ह को भी हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगी, चार बट्टे पाँच, तो क्या आएगी? पाँच बट्टे चार। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नौ से अठारह कितनी बार कट गया? दो बार। पाँच से पंद्रह कितनी बार कट गया? तीन बार। तो हमारी संख्या क्या बची है? यहाँ पर तीन, और यहाँ पर पाँच, और यहाँ संख्या क्या बची है? दो और चार। पाँच और तीन का गुणा करेंगे तो पंती है पंद्रह, और चार दुनी आठ, तो पंद्रह बट्टे आठ हमारा क्या है? आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।